ध्यान दो। ओके, आज का जो सम्स है बच्चों, इस सम्स में आपको आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं गुडविल। देखो अब तक हम लोगों ने जितना भी सम्स किया था जहां आपको गुडविल पहले से दिया था, अब आज के समय में आपको गुडविल नहीं दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आज आपको नया चीज़ सीखने मिलेगा, वो है आपका एवरेज प्रॉफिट, और उसके बेस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका टोटल गुडविल कितना होता है। आज के समय ये आपको देखने एक मिलेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट एक है कि एक बिल्स पेबल जो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिया है, वो एक्चुअली उन्होंने गलती से लिखने भूल गए, तो आज हमें वो भी लिखना पड़ेगा। तो मतलब दो एडजस्टमेंट जो नई चीज़ें हैं, तो so, कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सम्स को, क्या लिखा है। समीर एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड 1:4। अंडरलाइन द वर्ड 3:4 एंड 1:4, ये आपका रेशियो दिया है, यानी कि 3:1, जैसे यानी कि 3+1 कितना हो जाएगा 4। सो इसको हम लोग लिखे 3:4 एंड 1:4। शो द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लाइब्रेरी साइड में आ जाओ, कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर का, समीर का और निशा का, बराबर। ये पार्टनर्स का है तो कहाँ चला जाएगा, ये पार्टनर्स। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व। सो देखो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व, ये तीनों पे अधिकार किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटेंगे, यानी कि पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, वेरी गुड। आज एसेट साइड में पहला दिया है स्टॉक, फिक्स्चर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, सब कहाँ जाने वाला है, एसेट्स। कैश इन हैंड, आपके पास कैश अकाउंट है, वहाँ चला जाएगा। दे एडमिटेड पूनम फॉर द 1/5 शेयर्स, अंडरलाइन द वर्ड 1/5। ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम क्या ला रही है, कैपिटल ला रही है, जो हम लोग ने अब तक सबमिट किया था, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे जो सेकेंड एडजस्टमेंट दिया, पूनम वुड पे कैश, क्या लिखा है, पूनम वुड पे कैश फॉर अ गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन अ 4-year परचेस। अंडरलाइन द वर्ड 4-year परचेस, मतलब जो भी गुडविल होगा वो 4 साल परचेस का एडवांटेज मिलेगा, फॉर द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देखो इस समय आपको गुडविल का अमाउंट दिया है क्या तलब, नहीं, लेकिन आपको गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो ये बड़ा सरदर्द हो सकता है, देख लीजिए। Assets are revalued as under, asset को revalue करने बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, fixture के ऊपर underline करो, टिक मार्क करो, bill receivable के ऊपर टिक मार्क करो, stock के ऊपर टिक मार्क करो, debtors at a book value, debtors के ऊपर टिक मार्क करो, क्लियर इतना। चलो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक। ओमिटेड का मतलब नहीं है, मतलब बुक में रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं। आपके को बैलेंस शीट में बिल्स पेबल दिख रहा है क्या, लाइब्रेरी साइड में, लाइब्रेरी साइड में नहीं। तो मतलब आपने बिल्स पेबल रिकॉर्ड किया नहीं, अगर उन लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये एक नया चीज इधर है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year वेयर एज अंडर, आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया, कहीं भी गुडविल का अमाउंट दिया है क्या, तो आज हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले हम लोग वही फाइंड आउट करते हैं कि गुडविल फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला फॉर्मूला लगेगा आपको। ओके, सो फॉर्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टाइम पास अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टाइम पास, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सो ये आपका पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट के लिए आपके पास देखो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले हमें इससे स्टार्ट करेंगे, और ये पांचों आपका प्रॉफिट है, बराबर ना। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, देखो पहला कितना दिया है, एवरेज प्रॉफिट लिख दूं ऊपर, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अभी मैं फिलहाल पहला देखो, पहला प्रॉफिट कितना था, 60,000, तुम्हें यहाँ लिख दिया 60 प्लस, उसके बाद क्या है, 45,000 लिख दिया, 45 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 45। अब देखो ये कितना साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5। सो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 5। ये समझ में आया इतना, तो हम लोग क्या प्लस करेंगे,
5 5 5 कितना हो जाएगा 15, वन कैरी, 7 + 3 10, 6 16 4 20 4 24 और 1 25 और ये 3 0 यस अब डिवाइड बाय क्या करेंगे अभी 5 चलो फाइंड आउट करेंगे 5 5 25 5 1 5 और ये 0 ये जो आपको मिला है ये आपका क्या बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट क्या बन जाएगा तो याद रखो जब भी आपको गुडविल नहीं दिया है तो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा उस प्रॉफिट के बेस पे हम लोग क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज अब देखो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना मिला है 51,000 बराबर इतना अब ध्यान दो क्या सेकेंड वाले एडजस्टमेंट पे पूनम उड पे कैश फॉर गुडविल विच उड बी बेस फॉर 4 year परचेज क्या कितना ईयर परचेज बोला है 4 year सो आपका ईयर ऑफ परचेज कितना हो जाएगा 4 चलो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0 0 0 4 1 4 4 5 20 यानी कि ये जो आपको मिला है ये आपका गुडविल है ये आपका टोटल गुडविल है क्या है बराबर अब इसमें से हमें किसका फाइंड आउट करना है पूनम का सिर्फ फाइंड आउट करना है क्योंकि ये तो पूरे फॉर्म का गुडविल है हमें किसका निकालना है सिर्फ पूनम का यहाँ तक समझ में आया तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ गुडविल ऑफ पूनम टोटल गुडविल कितना था आपको 204,000 पूनम का देखो शेयर दिया हुआ है का वो देखो ऊपर में दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर कितना शेयर बोला है उसका 1/5 5 1 5 5 4 20 5 के टेबल में तो 4 जाएगा नहीं तो ये हो गया 0 5 8 40 और ये 00 यानी कि गुडविल कितना आ गया 40,800 ये समझ में आया सबसे पहले दोनों पार्टनर्स का रेशियो दिया है रेशियो क्या दिया है एक का 3/4 दिया है और एक का 1/4 दिया है यानी कि 3:1 दिया हुआ है आ जाओ पहले लाइब्रेरी साइड में देखो कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर्स का कहाँ जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में 1,50,000 और सेकेंड का कितना दिया है 1,62,000 चलो नेक्स्ट क्या दिया देखो जनरल रिजर्व अब मैंने क्या था जनरल रिजर्व का अधिकार किसका होता है ओल्ड पार्टनर्स का अब ये लायबिलिटी साइड में दिया है सो मैं बताया था कि जब भी आपको लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाता है सो यहाँ गया मैं क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय जनरल रिजर्व अब अमाउंट कितना दिया मैंने कहा 48,000 सो ये लिख दिया मैंने जनरल रिजर्व टोटल दिया है 48,000 अब दोनों बंदों का रेशियो क्या था एक का 3 था और एक का 1 सो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 सो डिवाइड बाय 4 करेंगे 4 1 4 4 1 4 4 2 8 और ये 2 3 0 अब रेशियो क्या है एक का 3 है और एक का 1 सो 2 1 × 3 कितना हो जाएगा 12 36 और एक का कितना हो जाएगा 12 ये समझ में आया चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कहाँ जाने वाला है लायबिलिटी साइड में सो पहले से वो लायबिलिटी में था हम लोग ने वापस से उठा के इसको लायबिलिटी में लिख दिया यानी कि क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 90,000 इतना क्लियर है चलो आ जाओ एसेट साइड में तो सबसे पहले क्या दिया है स्टॉक इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बराबर ना चलो स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 90,000 तो यहाँ लिख दिया 90,000 नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फिक्स्चर फिक्स्चर का अमाउंट कितना है एडजस्टमेंट है इसके ऊपर चलो इसको भी यहाँ लिख दिया 60,000 नेक्स्ट डेटर्स 1,50,000 नेक्स्ट बिल रिसीवेबल इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट नहीं होगा बराबर ना इसके ऊपर भी अमाउंट 90,000 नेक्स्ट कैश इन हैंड तो अपने पास देखो कैश है होगा डेबिट साइड सो यहाँ गया मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000 यहाँ तक समझ में आया चलो
They admitted Poonam for the 1/5 shares on 1st April 2018 on the following term. Poonam introduced 1,20,000 as her capital. मतलब जो Mr. Poonam is Poonam है उसने क्या लाया है capital आया और capital किसके form में होता है cash. तो business के अंदर क्या आ रहा है पैसा आ रहा है पैसा आएगा तो कहाँ record करेंगे cash के debit. So किसने लाया ये पूनम ने बराबर कितना लाया उसने 1,20,000 ये समझ में आया अगर कैश में टू पूनम है तो पूनम में क्या हो जाएगा बाय कैश ये हम लोग 4-5 दिन से यही कर रहे हैं बराबर ना 1,20,000 यहाँ तक क्लियर है अभी हम लोग सेकेंड वाला एडजस्टमेंट रीड करते हैं पूनम उड़ पे कैश फॉर अ गुडविल पूनम क्या पे करेगी किसके लिए गुडविल के लिए और हम लोग ने उसका कैलकुलेशन निकाल दिया गुडविल कितना था 40,000 वापस से पैसा आ रहा है पैसा का तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे 1,800 अगर कैश में टू गुडविल है तो गुडविल में क्या हो जाएगा क्यों पर अधिकार किसका है ओल्ड पार्टनर्स तो हम लोग यही ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे सो टू समीर एंड निशा 40,800 है बराबर अभी इन लोग का रेशियो क्या था 3 और 1 यानी कि डिवाइड बाय 4 करेंगे 4 वन ज़ा 4 और ये 0 ये 2 और ये डबल 0 इंटू 3 इंटू 1 सो एक को जाएगा 30,600 और एक को जाएगा 10,200 ये समझ में आया बोल बच्चे हाँ जाएगा ना अभी अगर गुडविल में टू पार्टनर्स तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा बाय गुडविल वापस से रिपीट कर रहा हूँ तुम लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हो 30,600 10,200 मैंने The assets were revalued as under which जितना भी assets है सब change होने वाला है लिखा है fixture at 40,000 at बोला है so अंदर वाले column में या बाहर वाले column में बाहर वाले column में कितना बोला है 45,000 पहले कितना था अपने पास अब कितना हो गया 45 तो कितना क्या करेंगे प्लस या माइनस माइनस तो यहाँ में लिखा माइनस लिख दिया डेप्रिसिएशन लिखो रीवैल्यूड लिखो या डिक्रीज लिखो ठीक अब मुझे बताओ आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ लॉस लॉस है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में जैसे कि मैंने बताया था कि लॉस रहेगा तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रहेगा तो ये सो फिलहाल लॉस हुआ है किसके वजह से लॉस हुआ है फिक्स्चर की वजह से सो फिक्स्चर अकाउंट कितने का लॉस हुआ है 15,000 और नेक्स्ट देखो क्या लिखा है बिल रिसीवेबल रुपीज 1,20,000 बिल रिसीवेबल कितना करने बोला है 1,20,000 अब पहले कितना था 90,000 अब कितना हो गया है 1,20,000 तो क्या करेंगे प्लस एप्रिसिएशन लिखो या फिर रीवैल्यूड लिखो कितने का प्लस हुआ है 30,000 अब बताओ आपका एसेट बढ़ गया कि कम हो गया प्रॉफिट या लॉस डेबिट क्रेडिट क्रेडिट साइड में गया यहाँ लिख दिया बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ है 30,000 चलो नेक्स्ट साथ में क्या लिखा है स्टॉक एट 60,000 स्टॉक को कितना करने बोला है 60 पहले 90 था अब कितना हो गया 60 कितने से माइनस करेंगे 30 से क्या हो गया रीवैल्यू प्रॉफिट या लॉस लॉस है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में क्या यहाँ लिखा टू स्टॉक अकाउंट कितने का हुआ है 30,000 बुक डेटर्स एट द बुक वैल्यू लेस एट अ प्रोविजन ऑफ 20% मतलब आपका जो भी डेटर्स है उसको प्रोविजन करने बोला है कितना परसेंट बोला है 20% सो क्या बोला कितना परसेंट बोला है 20% सो माइनस RDD एट द रेट 20% 15,000 का 20% कितना होगा 30 हो गया ये हो गया 1,20,000 बराबर अब देखो यहाँ घाई नहीं करने का बोला डेटर्स के टाइम ऑलवेज घाई नहीं करने का अब हमें कितना मिला इधर टेक्स्ट बुक में देखो बाहर कितना दिया हुआ है 35 हमें कम है या जास्ती है कितने से कम है 15,000 से तो 15,000 से हमें क्या हो चुका है लॉस हो चुका है और लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में यहाँ गया हमें क्या लिखा 2 RDD अकाउंट कितने का है ये 15,000 ये क्लियर है
अब आते हैं चौथा एडजस्टमेंट, बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। बिल्स पेबल क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया, मतलब उन लोग ने रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर उन लोग ने रिकॉर्ड करना भूल गया तो हमें तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्स पेबल बोला है तो बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, एसेट या लायबिलिटी में, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में गया। यहाँ लिख दिया बिल्स पेबल, कितना लिख दिया 15,000। ये समझ में आया, अभी आ जाने दो। पहले ये कर्जा था कि अपने पास, लेकिन आ गया है कर्जा, बढ़ गया, कर्जा बढ़ेगा तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस है तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा मैं, तो यहाँ लिखा टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना है 15,000। ये समझ में आया, क्लियर इतना। चलो क्लोज करते, सम्स खत्म हो गया है। बताओ डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड 30, 45, 65 ना, सॉरी 48, 15, 15, 30, 30, 60, 60 और 15, 75, बराबर। ये बड़ा है, इसको यहाँ ट्रांसफर किया 75,000। अब 75 में से 30 माइनस करो कितना होगा, 45,000। अब ये जो 45 ये क्या हुआ आपको, लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसको बांटेंगे हम लोग को, पार्टनर्स को, लेकिन कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन था, समीर एंड निशा, तो समीर और निशा। अब ध्यान से देखो 45,000 है बराबर, उन लोगों का रेशियो क्या था, 4, 4 1 4, 1 4, बचेगा 5, वापस से 4 1 4, बचेगा 1, यानी कि 10 हो गया, 4 2 8, बचेगा 2, 20 हो गया, 4 5 और ये 0, इंटू 3 और इंटू 1, तो 1 का तो वही से आएगा 1 1 2 5 0, ये हो गया 0, 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, 11 2 3 33, बराबर क्या हो जाएगा, कौन से अकाउंट से आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देता हूँ, अब यहाँ कुछ नहीं है। चलो क्लोज करते हैं, चलो एक एक का क्लोज करेंगे, पहले पूनम को देखते हैं, पूनम कैसी दिखती है। यहाँ कुछ है क्या, यहाँ 1,20,000 है, इसको यहाँ ट्रांसफर किया 1,20,000, यहाँ कुछ है क्या, सो पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ 11,250 है, यहाँ बहुत सारा ग्राम 22 है, सो ये 200 तो यहाँ लिख दिया मैंने, ये 62 प्लस 12 कितना हो जाएगा 74 प्लस 10 84 और ये 1,00,000, सो ये 1,84,200 माइनस, ठीक है यहाँ माइनस कर देता, सो कितना हो जाएगा 1,72,950, 600 आ गया, 50 और 36, 86 और ये 30, 96, 106, 116, तो यानी कि 2,16,000, उसको यहाँ ट्रांसफर किया 2,16,600, 2,16,600, उसमें से ये माइनस करेंगे 37,750, 182,850। अब ये जो बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन। अब ये बैलेंस को हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर करना है, लाइब्रेरी साइड में, सो लाइब्रेरी साइड में जाते हैं। समीर का कितना है 182,850, इसका 1,72,950 और ये कितना है 1,20,000। चलो प्लस करते हैं, ये हो गया 0, 5, 5, 10, 1 कैरी, 8 और 1, 9, 9, 18, 1 कैरी ना, 2, 2, 4, 5, 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
एक दो तीन और ये चार। अब हम लोग क्या क्लोज करेंगे पहले ये रमन।
किया 2,35,000, ये बैलेंस बच जाएगा 2,35,800, इसको क्या लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लिख दिया कैश 2,35,800 और ये बेचारा अपने आप कैरी हो जाएगा मासूम सा है एकदम। चलो महिला मंडल लाइब्रेरी साइड, बॉयज एसेट साइड, बोल बच्चा।